17 और 18 अक्टूबर को दिल्ली में सर्दियों की पहली बारिश हो सकती है। इस बारिश के असर से हल्की ठंड का एहसास भी होगा और तापमान में भी गिरावट आ सकती है। इससे पहले 16 अक्टूबर से हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी से पूर्वी हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, सुबह के समय धुंध होगी, अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दूसरी तरफ स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष के अनुसार 16 अक्टूबर से दिल्ली का मौसम करवट बदल सकता है, बादल छाएंगे और 17 और 18 को फिर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आगे उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का गहरा क्षेत्र बन रहा है, इसी के असर से मौसम करवट लेगा और सर्दियों की ठंडक को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच सोमवार को दिन भर धूप खिली रही, अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 36.8 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 37 से 91 फीसद रहा। मौसम विभाग ने 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दिल्ली में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। 16 अक्टूबर को गरज के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, इस दौरान हल्की बारिश या फिर गरज के साथ बारिश हो सकती है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD 4 रंग कोड का उपयोग करता है। ग्रीन का अर्थ है कि सब ठीक है, येलो गंभीर रूप से खराब का मौसम संकेत देता है। इससे यह भी पता चलता है कि मौसम खराब हो सकता है जिससे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा बेहद खराब मौसम की चेतावनी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है और रेड अलर्ट तब होता है जब बेहद खराब मौसम की स्थिति हो। इस दौरान भारी बारिश से यात्रा के दौरान जोखिम पैदा हो सकते हैं और बिजली सप्लाई भी बाधित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।